हेलो फ्रेंड्स, नाइजा नाइन की नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नैयर। आज है 17 सितंबर 2022 और दिन है शनिवार। और आज एक वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें एक तरीके से मैं पूरे गांव को दिखाने वाला हूं। कुछ टाइम पहले मैंने ये सोचा था कि जो हमारे गांव में जो बड़ी मस्जिद बन रही है उसका एक वीडियो बनाऊंगा और वो आने वाली नस्लों के लिए सेव करके रख दूंगा कि उसको कोई 50 साल 100 साल बाद भी देखना चाहे तो देख सकता है कि किस तरीके से हमारे गाँव की बड़ी मस्जिद उस टाइम पर बन रही थी और उस टाइम पर कौन कौन थे नमाजी और गाँव का माहौल कैसा था, सब कुछ बताने की कोशिश की है उस वीडियो में। और उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि वो वीडियो तो लोग देख लेंगे किस तरीके से हमारे गांव की बड़ी मस्जिद बन रही थी, लेकिन हमारा गांव कैसा था ये नहीं देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारा गांव कैसा है इस टाइम पे और आप इसको 100 साल बाद देखोगे तो अपना जो गाँव है वो किस तरीके से बदल चुका होगा। तो वीडियो में जो आगे आप वीडियो देखने वाले हैं वो 9 महीने पहले मैंने शूट किया था, जिसमें हमारे गांव के काफ़ी मशहूर शख्सियत वसन भाई हैं और एक तरीके से मैंने उस वीडियो में एक कैमरामैन का रोल किया है। मैं ज़्यादा बोला नहीं हूं उस वीडियो में, जो कुछ बोले हैं वही बोले हैं और पूरे गांव के बारे में बताया है और पूरा गाँव आपको दिखाया है। तो चलिए वो वाला वीडियो देखते हैं। और आने वाला वीडियो है मस्जिद का, जो इसी वीडियो के साथ वो भी लिंक होगा। और आने वाले टाइम पर आप जो है अपने गांव को, अपने गांव की मस्जिद को 50 साल 100 साल बाद देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसी टाइम पे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है हमारा सरकंडी डी परिवार के नाम से, जिसको काफ़ी ज़्यादा उत्साह से चला रहे हैं गांव वाले और बड़ी बड़े काम जो है उस ग्रुप के जरिए कर रहे हैं। तो उस ग्रुप का नाम है हमारा सरकंडी डी परिवार, जो कि वीडियो में पूरे आपको दिखाई देगा। और जो वसन भाई हमारे हैं वो हैं लाहौती परिवार के, तो वहाँ पर लाहौती परिवार भी उस वीडियो में आपको दिखाई देगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा सरकंडी डी परिवार के लोगों, गांव के सभी लोग कैसे हो। आज हम लोग नैयर पठान NYR को लेकर के चला आया हूँ खेत खलिहान में, अपने गांव की तरफ, गांव के पश्चिम जानिब जहाँ हम लोगों का नैयर वगैरह का खेत है। तो सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा सुबह सुबह तफरी भी हो जाएगी और गांव वालों के लिए कुछ अच्छा वीडियो भी डाल दिया जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं ये अपने बगीचा से। ये हमारा बगीचा है बना में, बना मोहल्ला में जो बगीचा है हमारे दादा हाजी अब्दुल कादिर लगाया करते थे, लगा रहे थे। तो उसमें तमाम पेड़ हमारे हाथ का भी रखा हुआ है और बगीचा तैयार हुआ। आज जैसे गीत बसेरा लेता है साला, ये देख के अफसोस होता है। ये जो है अताउल्ला चचा के दामाद, दामाद के दामाद का मकान है। सब जो है हमारे लोगों की पुश्तैनी बगीचा के बगल, ये भी अताउल्ला चचा के दामाद है। ये सब बस गए हैं और गांव के दामाद हैं, बस गए हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन फिर भी समझना पड़ता है। ये टल्लू चचा का पिछवाड़े का मकान है, ये पुच्छी का है, ये कोहेल टुफेल वगैरह का है, ये फुल्की वाले का मकान है। ये हमारे रफीकुल भैया की कुटी थी, आम वाम रखाती थी यहाँ बैठ के। मरहूम रफीकुल भैया के बना बना उसके लगे। तो चलो अब आप आगे निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम सलाम। वीडियो शूट करे निकला ही गांव वाले के दिखावे के लिए, सऊदी दुबई जो रहा थे देश विदेश, वीडियो पूरे गांव के डेली यही चलता है। गांव का वीडियो सब गांव वालों को दिखाने के लिए जो सऊदी दुबई में है। मौलवी साहब को मान लो, मौलवी साहब पिछले 35 साल से तालीम दे रहे हैं बच्चे। कहो मौलवी साहब, 35 साल हो गया होगा। मौलवी साहब 73 से पढ़ा रहे हैं गांव वाले, 73 यानी कई साल हो गया, 35-37 साल। और ठीक है, हाँ निकला ही नहीं, नहीं निकला ही, शूटिंग करे, शूटिंग करे। हाँ सब लड़के दिखाई दिए, दिखा दे। वो मकसूद अरमान है, वो मकसूद का घर, ये साउथ भाई का घर है। हमारा सरकंडी डी के परिवार के लोग देख लो,
आइए साउद भाई का जो शादी वादी होती है इसी में खाना खिलाया जाता है। ये मुकर्रम अली का खेत है, ये पूरा तौकीर का है, मुफीद का वो चक है, उसको भी मार लो। आइए ग्राम सभा की दो सूरत वसन और राम मूरत का जो नारा दिया था तो राम मूरत प्रधान बन गया था, तो अब ग्राम सभा की ये टॉयलेट बनी हुई है, दिखा लो टॉयलेट। हाँ आपका मकसद हम बराबर नहीं समझ पा रहे हैं। ये गांव वाले की बैटरी चार्ज करता हूँ हम, मतलब कि उनकी ऊर्जा कम ना हो। जो सऊदी में है, दुबई में है, 250 आदमी 500 आदमी सरकारी जी के जो समाज खाते हैं, तो ग्रुप बनिया है हमारा सरकंडी जी परिवार, उसमें जो है 2 बजे रात तक सर जी ने बात करा कर थे, हैं खाली से बतला कर थे, रिकॉर्डिंग करके हाल चाल लेवा करा थे एक दूसरे के, एक एक जन एक 25-25 साल मुलाकात होती है ये वीडियो के जरिए। तो बस कोई मकसद नहीं है, थोड़ा हाहाहू के लिए, मुर्दन के लिए बना हो गई। तो बकरी भैया का मकान सूची पर, मुन्ना का मकान, दोनों भाई के इसरार चचा का मकान, इसरार चचा का मकान है, तो पेड़ों को मार दिया, बहुत अच्छा पेड़ है। वाह अमोहन, बहुत गजब। ये है उफरा, उफरा सरकंडी डी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसको उफरा लोग कहते हैं। ये उफरा का मैदान है, और ये हमारे जामा मस्जिद के मतवली शराफत भाई, और ये है सैयद जाबिर अली। हमारा सरकंडी डी परिवार के लोग देखो, सुबह सुबह हम लोग निकल पड़ा हूँ आप लोगों की मोहब्बत में से आप लोगों तक पहुँचे ये वीडियो है। सैयद रमजान अली लिखा भाई, हाँ बोले जा। और हम लोगों का बचपना इसी खेत खलियान में निकला था। ये जाबिर अली की ट्यूबवेल है, अब आगे अभी बढ़ता हूँ हम अपने ट्यूबवेल पे, उसके बाद जो है असरोगा होते हुए वाया टोल प्लाजा, फिर अशरफ पकौड़ी के वाले के यहाँ एक चाय पकौड़ी का दौर चलेगा ख़त्म। ये मकड़ी का भरिया है, ये मोतवली भाई का खसी है, बीड़ी नहीं ले है। ये पेड़ जो है माबूत का है, इमिलिया, इमिलिया ये है चरकावा सामने, और देख लिया अपने अब्बा का अय्या या तोहार चक, इसी में हम लोगों को बचपना निकला है, पूरा मार दो जुम करके चरकावा अरकावा। वो चरकावा अली हुसैन भाई सिराज इद्दी भैया की बाग, उसके बगल कल्लू डी आई जी का एक खड़ा हुआ पेड़ है, और माबूद भाई का नया घर का निर्माण जो हो रहा है वो। अब आगे बढ़ता हूँ, अब उधर से आऊँगा। चल भाई, एक ग्रुप पर जाते है गांव के आदमी जो बाहर आ रहा है ना, अब ये रोड जो निर्माण भाई हो गए, बड़ी ऊर्जा मिले परदेशियन का। ये अतार की ट्यूबवेल की बोरिंग, वो तौकीर पड़वा तौकीर के पास तमाम है, खरीद फरोख करते हैं, जूम करके दिखा दो तौकीर को। हाँ, ये तौकीर दिख रहे हैं, हरियाली वादी दिखा दिया, तो कहा था आगे जाए। वो कबर गहिया जब्बू भैया वगैरह का मकान, ये माबूद भाई का नया मकान, नया मकान देखो माबूद भाई का, मार दिया जूम करके। ये माबूद भाई का नया मकान, ये हम ये पठानों की बात कही जाती है, ये थोड़ा यहाँ तक, अभी ये पठानों की बाग में चल रहा हूँ भैया, चचा अच्छा अहमदुल्ला चचा अच्छा, ये पठानों की बाग है। अब इसके बाद दादा पीर खान का, माबूद भाई कहाँ पठान का बगिया ही तक किया है, ये दादा पीर खां का फार्म हाउस माबूद खान। अब ये इधर से बड़की बगिया पूरा भैया दादे पट्टी के आई, पूरा दादा पट्टी, एमा कई थोक है, 16 बीघा 18 बिस्सा के है, एमा कऊ थोक है, चार थोक है भैया, ठीक है। अभी आगे माबूद के घर ले लिया, नया निर्माण हो गया है, अभी पीछे से भैया।
ये महबूद भाई की सफरिया वगैरह है, ये बिल्लर भाई का मकान, उधर अमन भैया का मकान, ये पूरा नया निर्माण, ये तील लंग उनका अयूब भाई वगैरह का सब मकान है, शंगू बाबा का परिवार, चार थोक में एक थोक ये भी है। और लक्की करवट ले लीजिए। ये हमारी पुस्तैना पुस्तैनी तालाब है और खाते का तालाब है, हो सकता है इसमें कुछ बंजर वगैरह हो लेकिन खाते का तालाब है मेरा। रोडो मार दिए जो मूर्त ऐसा बनवाए हैं। ये देखो ये रोड जो है कब्रस्तान कबूरगैया से निकला हुआ है, नया निर्माण जो 18 फीट का राम मूर्त बाबा प्रधान, ये बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। ये सीधा जा रहा है पनवा खाता, पनवा खाता भाई, इसीलिए मैं जब प्रधानी राम मूर्त हम लोग लड़ रहे थे तो मैं नारा दिया था ग्राम सभा में दो सूरत वस्तन और राम मूर्त, इसी दो में प्रधान बने। अब हमार नारा काम कर गया, मूर्त प्रधान बन गए, लगातार बनते आ रहे हैं, हमें इसका कोई गुरुज नहीं है। विकास का काम बाबा राम मूर्त को करना चाहिए क्योंकि सरकंडी डी में अब की बार हैट्रिक लगा दिए हैं, 309 वोट लिए हैं। तो मैं इस यूट्यूबर NYR नैयर पठान के माध्यम से बाबा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा वोट आपको मिला, दिए तो हमारे ग्राम सभा के ही लोग, गांव वाले ही, तो अब ऐसा कार्य करो कि आने वाला समय में तुम्हारा और बेहतर हो, बगैर कोई भेदभाव के, जिस तरीके से अभी तक ग्राम सभा में कोई नुकसान नहीं हुआ है उसी तरीके से विकास का काम करो। हम लोग विनाश को खत्म करता हूँ, विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, विनाश पसंद नहीं है, विकास जो है आप कीजिए, विकास के लिए कोई वो नहीं है, उसमें पूरे गांव का सहयोग मिलता है आपको। ये रोड बनाने में पूरे गाँव का सहयोग मिला है, मुसीर के लगे तार से ये रोड बनाने में पूरे गांव का सहयोग मिला तभी रोड का निर्माण हुआ। अब इसमें बोलोरो ट्रैक्टर सब चल रही है, और ये पनवा खाता तक इसको खींच दो, खड़ंजा बिछवा दो बाबा राम मूर्त, और मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके तमाम सेक्टर हैं और वो जब बन के तैयार होंगे तो लोग पूरे गांव का मज़ा आएगा। ये सराफत भाई की चक दिखा दो, गाँव के लोगों के लिए ऊर्जा बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों का ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये वीडियो बन रहा है। ये हमारा 5 पेड़ था, पेड़ पे मार दो, 5 पे पेड़ था जिसमें 3 तबाह हो गया और में एक बचा हुआ है। तो ये पेड़ जो है मरहूम मुजीब भाई मुश्ताक बाबा वगैरह का सब पेड़ है, और ये जो है खेत हमारे चचा यहिया चचा वकील सफीर वगैरह का, वो चक दिख रहा है। ये मजहर जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, हाँ। और पिछवाड़ा देखो ग्राम सभा में मूलत तो टॉयलेट बनवा दिए हैं लेकिन हम लोगों को टॉयलेट नहीं बन पाया, शिकायत है। ये चारों तरफ टॉयलेट दिख रहा है अयुब का, और तो यही किसी तक को देखते हुए भाई इस मोहल्ले का भी सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि इस मोहल्ले का भी वोट अच्छा खासा मुहूर्त को मिला है। कोई बात नहीं, वेलकम स्वागतम खैर मकदम मिला है तो मिला है तो नज़र भी तो आ रहा है टॉयलेट वगैरह, लेकिन हमारे टॉयलेट अभी मुहूर्त नहीं बनवाए और का हमारे मोहल्ला में घुसबे नहीं भाई, नहीं नहीं बनाए हैं कयूम भैया के यहाँ बनवाए हैं, कयूम भैया रियाज के यहाँ बनवाए हैं मुहूर्त, हमें ठाई नहीं बनवाया, सौतेला व्यवहारी भा है हमारे चौखट पर कयूम भाई के यहाँ बना है, हमें नहीं बना है। तो ऐसा नहीं है, काम जो कर रहे हो उसका कहा जाएगा। ये सैयद जाबिर अली का टोटावा आम था यहाँ, ये इनका छोटा मोटा गार्डन है। जाबिर तो आए तो जाबिर
ये कासिम भैया की चक, ये कासिम भैया का चक है, ये जिसमें चरी बोई हुई है, इसी में हम लोग बेरन डालते थे। आज के 40 साल पहले हम लोग बेरन डालते थे। ये कासिम भैया बैठे हैं, ओ कासिम भैया है। ये निसारुर बाबा का एक कोलई का ही कहाँ से आए गए, अब बहनों नहीं किया ना, वकील है का बहनों आई ये मत तो कासिम भैया की वकील के रहा। अच्छा उनके वकील के ना आए, कासिम भैया दे रहे हैं उनका बोवे का, इनके चक एक तरफ मार दिया। ये कासिम भैया का चक जो है वो हनी भैया के चक के पास तक है। ये सब जाबिर का इलाका है, सैयद जाबिर अली, ये सब सैयद। हम लोगों का बचपना यही निकला, यानी पूरा बचपना 17 साल की उम्र से लेकर के हम लोग जवान होने तक इसी लच्छी तरवा पे रहते थे। यही हम लोग होरा बूझते थे, थौकत मामा का डेली का नियम था, जाहिद भाई मरहूम, यही होरा बूझते थे। जामुन का एक पेड़ था, यहाँ जामुन का एक पेड़ था, यहीं होरा बूझते थे। और बाकी सब छिछली उछली आम के हमू जाबिर अबिर हैं, बना के दिन भर मस्त रहा रहो। ये कासिम भैया है, कुछ का भरत है, उरुत के डखरा भरत है। यही है मेरा गांव, मेरा देश। हाँ देखो ऊर्जा बढ़िया मिलेगी। ये जहाबीर की कुटी और चक्की, अब हम अपन चक्की दिखा दी। जमुन बैठी चार भेजे सबके लिए। हाँ आज मरिया उरिया सब घर ले गए, बहुत चूकअप छोड़ो। अरे गौने वाले खातिर निकला ही। ये देखो हमारी 75 फुट की यहाँ पे सरिया थी, कितना भाई 75 फुट, 75 फुट बड़े ताड़ के पेड़ की लगी थी। जब हमारे वालिद साहब पिलखिन अमेरिकन कौंसुलेट से आए तो यहाँ एक निर्माण किया ट्यूबवेल का, 75 फुट की सरिया थी। ये हमारा ट्यूबवेल का बरांडा था, वहाँ तक इसमें कोल्हू लगा था तेल पेरने का, तो हम तेलो पेरत रहो साले के, तेल ही हो गया रहा अपने हाथ से तेलो पेरत रहो। ये हमारी बोरिंग है, ये जो है बोरिंग है, आज भी देखो बोरिंग है। ये हाउस थी पानी की, यहाँ से पानी दूसरे टंकी में आता था, फिर उसके बाद तीसरे में आता था। यहाँ नहाने का ये प्लेटफार्म बना हुआ था, ये उफरा पे पूरा रेह थी। तो हम लोग आहत चचा अच्छा इतने हैं, यही हमारे सबके यही रिन साबुन रहा, यही रेह में कपड़ा धोए धोए के यही ट्यूबवेल चला के उगर को, ये था बचपना, इसी उधर में रेह था पूरा। पहले तो रहा। अब इधर से निकलेंगे तो मढ़िया कटका होते हुए, ये धनी पली रोस्तम मामा का, ये धनी पली की चक है, ये उरुत कमार उरुत का। ये देखो हमारे खानदान के लोग जो हैं अपने खेत खलिहान में लगे हुए हैं, हमारा सरकंडी डी परिवार, दादा पीर खां की आप लोग बाग देख ही लिए हो, जिसको बोलते हैं बड़की बगिया। ये देखो कितना आनंद आ रहा है, गांव वाले देश विदेश में रहे लोग, ऐसा वीडियो आपको कभी नहीं मिला होगा। पूरे गांव का सर्वे करके मढ़िया से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक पूरा वीडियो बन रहा है। आइए ये वनफाई चाचा की चक है, ये अलीम भैया मरहूम की चक है, यानी नईम भाई आरिफ वगैरह की, ये चक बेरन जो पड़ी है मार दो। ये रफाई चचा, वो आगे चक वारिश चचा की है, वारिश चचा की चक, मरहूम वारिश चचा। और आगे जूम करके देखो उधर जिमीदार अली हुसैन की चक है, अली हुसैन की चक है आगे, कहो रास्तवत हो जाएगा ना। हाँ अली हुसैन की चक है। ये है कयूम भाई फुलवरिया, कयूम भाई फुलवरिया जो मर गए उनका नाम। ये हमारी चक जो है 15 बीघा जरीबी की हमारी चक, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। और उधर ये है मरहूम मुजीब भैया यानी अस्पाक गोल्डन इंजीनियरिंग, मेरे चक के जस्ट बगल उनकी 10 बीघा की चक है, गोल्डन इंजीनियरिंग अस्पाक। तो हमारे पुरखों ने उसी दात से चक लिया था, कटाया था कि हम लोग अगल बगल रहें, क्योंकि हमारा एक ही दादा के हम लोग हैं।
कि हमारी चक में अभी मोटरसाइकिल चल रही है, इधर की चक रिहान अली, सैयद रिहान अली, इधर मार दो लेफ्ट साइड पहले। ये मेरी चक जो है ये यहाँ खत्म हो गई, ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं कि मैं अपना खेत दिखा रहा हूँ, ये वीडियो अहलाव नहीं कहीं खेतों में दिखा रहा हूँ, नहीं तो पूरा गांव दिखाओगे है ना। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना खेत खलियान दिखा रहा हूँ, इससे बचपन की यादें ताजी होती है। यहाँ मेरी चक खत्म हो गई, इसके बाद ये लईक भैया की चक है, उधर रिजवान पठान की चक है, जूम करके मार दो, ये अंगूरी देख रहे हो रिजवान पठान की चक है वो, और ये मॉर्निंग वॉक करते हुए मजहर NYR आ रहे हैं। ये हमारा खेत है और सब बता दे चल रहे हैं। अकबर पठान NYR की चक है, वो बकुला जहाँ तक चल रहा है वो बकुला जुम करके मार दो, ये मौलाना निहाल साहब की चक है, इसमें लाखों वोल्ट के करंट दौड़ रहा है, वो देख रहे हो बड़ी लाइन गई हुई है। ये है साउथ भाई का ट्यूब बिल, वो निसार भाई का मकान जो नया निर्माण हो रहा है फार्म, ये कटका गया है, ये कटका सिटी गया है, ये कटका, और ये रहा महफूज सैयद महफूज अली की आरा मशीन। आओ बैठो बैठो चला इसे तब तक पहुँच जाओ। ये जो है सैयद महफूज अली की दो पार्ट में दीजिए पार्टी, ये मकसूद भाई जो को गांव वालों से सलाम कर रहे हैं, मकसूद भाई और उनके छोटे साहबजादे, ये उनकी आरा मशीन, ये सिराज भैया की चक, ये सिराज भैया का ट्यूब, वो ट्यूब बिल चला था पर चल गया, ये सिराज भैया की ट्यूब बिल बना, सिराज भाई सब बैठे हुए हैं, सलीम वगैरह हैं, ये सब मुल्लल भैया के लड़के के सब हैं, ये हाँ वीडियो बन रहा है, बासित 307 आ गए, अरे देखा नफाई चचा के लड़के बड़े वाले, देखा ये खेत थोड़ा ट्रैक्टर चलता है, अकलम भाई बना के लड़के हैं, ये वीडियो दिखाओ, ये कफा पिल्ला का मकान, इधर अकलम भाई मकान को मार दो, ये अकलम भाई असलम भाई अख्तर भैया का मकान, ये सब, ये रफाई चचा का मकान, ये एजाज सूफी का मकान, फलाही एजाज सूफी हकीम साहब, ये उनका मकान, ये आ गए ये हनीफ भैया के दरवाजे पे गया हुआ है मकान, रोड ये है बंजर जो था उसमें कोरी समाज के लोग निर्माण किए हैं, बैकग्राउंड जहाँ पे हम लोग का बचपना निकला है, हाँ सैयद हामिद अली अकबर भाई ये सब देख लो, इसी स्कूल में हम लोग पढ़े, अब ये दहा तख्ती पोतते थे हम लोग, ये तालाब है मढ़िया तालाब, मढ़िया तालाब ये है मढ़िया तालाब जहाँ हम लोग बचपन में तख्ती पोतते थे, तालाब यहाँ तक था जहाँ प्राइमरी स्कूल का मेन डोर, मेन डोर मर गया, हाँ मर गया, ये वहीद भाई का मकान है, ये गुलशेर की दुकान है, ये गुलशेर अंदर घुसे हुए हैं, ये मरियम बोलेगा मरियम मदरसा और मरियम जामा मजीरा हाजी भाभी प्रधान का मकान, हाँ बस ठीक है, ये सूफी बैठे हुए हैं, अशरफ भाई बैठा है देख लिया, गांव वाले सब गांव वाले जाते वाली गाड़ी बना दिया लंका वो कलीन नहीं है, ये मढ़िया मोहल्ला है भाई, गांव वाले खूब ऊर्जा ले लो, अब टोल प्लाजा पे ही खत्म हो गया, बाएं बाएं नहीं मारेगा, ये चौधरी का मकान है, ये सलीम भाई इस्लाम आलम, ये सलीम भाई का मकान है, ये चौधरी भाई का मकान है, ये मासूक वकील साहब का मकान है, जुगनू का मकान है, ये अख्तर और नवाब भाई वगैरह का बगीचा था,
जिसमें तीनों भाई का निर्माण हो रहा है। ये चम्मर भाई की बाग है, इसी बाग से हम अपनी दो दो बेटियों की शादी किए, अपने भतीजों की किए। ये हमारे लिए बहुत लक्की बात है। सफी आलू की चक दिखा दो, वो दिखा दें। ये जो प्रधानी लड़े थे उनका मकान है चम्मर भैया के लड़के का, ये मोइन का मकान है पुराना, ये शाहपुर के लिए रोड जा रहा है, खड़ा रहा है। ये अति को मेरा बैठे हुए हैं, ये इन्होंने ले लिया घूम के, इनकी मशीन का ले लो, ले लो ले लिया मशीन के लिए। हाँ अति के मकान के ले लिया आधा मशीन के। हाँ ये अति को मेरा बैठे हुए हैं सुबह के मॉर्निंग में, अब आगे टोल प्लाजा की तरफ। ये मशीन गेहूँ काटने वाली, ये उनकी मार्केट टोपी भैया की। हाँ ये बगे मार्केट, ये रहा टोपी भैया का बगीचा, टोपी भैया का बगीचा ये देखो। अब जो है मोइन की तरह से अच्छा पोज बना लिया, गाँव में अच्छा लोकेशन बन रहा है। ये रईस सीमेंट वाले का बैनामा है जहाँ पे ये मोरंगिरी हुई है, और ये मोइन का मकान आ गया। मोइन का मकान इंतजार प्रधान पर ही खत्म कर दिया, मोइन का मकान मार दिया गया। मोइन का मकान, तो मोइन का मकान मार दिया गया। अब ये असलम का मकान, ये असलम का मकान, ये असलम मेल का मकान। ये इंतजार प्रधान का दरवाजा होते हुए अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चल पड़ा हूँ तो प्लाजा की तरफ। ये इंतजार प्रधान वकीम का नया निर्माण मकान, इंतजार का भूतपूर्व मकान, ये निजाम उल्लामा रिजवान का मकान, ओसर फराज वगैरह का मकान, और ये इनके परिवार का निर्माण हो रहा है। इधर मार दो, इधर घोड़ा दादा के बाग ही आए। ये जियो का टावर, खतरनाक टावर जियो, और ये शराफत भाई का एक चक यहाँ पे है। इसी के साथ ये भी वीडियो यहाँ पे विराम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कमा दिया दुबई में, अब इस्लामगंज तक लेके चला चला। ये वीडियो ना, ये सिरताज, सिरताज देखो, सिरताज मानने की बात कर रहे हैं। ये असलम, असलम भाई का मकान फौजी, ये असलम भाई की चक जहाँ पे चल रहा है जानवर। ये हमारे मास्टर साहब हैं,